हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे संघीय व्यवस्था के बारे में, साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी से कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी देखेंगे जो लेसन से रिलेटेड होंगे उनको। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आपने संघ शब्द ज़रूर सुना होगा और आपके आसपास में या आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी संघ का सदस्य ज़रूर रहा होगा। वो विद्यालय का संघ हो सकता है, अध्यापक संघ हो सकता है, या फिर किसी कंपनी के संघ का सदस्य रहा हो सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, तो आप इसी शब्द को अगर राज्यों के संदर्भ में लें तब वो संघीय शासन व्यवस्था हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक्स से संघीय शासन व्यवस्था देखते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता का केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों में बंटवारा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? सर्वोच्च सत्ता का केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों में बंटवारा हो जाता है। ठीक है, और संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें कार्य करती हैं। एक सरकार होती है पूरे देश के लिए और दूसरी होती है राज्यों एवं प्रांतों के स्तर पर। तो पूरे देश के लिए जो सरकार होती है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे आ जाते हैं, विषय आ जाते हैं, और प्रांतीय स्तर की सरकारें दैनिक कामकाज को देखती हैं। और ये दोनों जो सरकारें होती हैं वो अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से देखें तो संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा होती है, क्योंकि एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी जो इकाइयां होती हैं वो उसके अधीन होकर काम करती हैं। मान लीजिए ये ए है, ये केंद्रीय सत्ता है, और ये बी सी डी ये अन्य इकाइयां हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, ये तीनों एक के अधीन रहकर कार्य करती हैं। ठीक है, और केंद्रीय सरकार जो है इन सरकारों को आदेश भी दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कोई खास आदेश नहीं दे सकती है। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास में अपनी शक्तियाँ होती हैं और उन शक्तियों के लिए वे केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं, लोगों के लिए जवाबदेह होती हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर लोगों के लिए जवाबदेह होती है और केंद्र सरकार अपने स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होती है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके से अगर हम कुछ विशेषताएं देखें संघीय व्यवस्था की, तो उसमें आ जाता है इसमें दो या अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। ठीक है, तो एक केंद्र सरकार हो सकती है और एक राज्य के स्तर पर सरकार होती है। और ये जो अलग अलग स्तर की सरकारें हैं वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। मान लीजिए हम हैं तो हम किसी राज्य के भी नागरिक, मतलब राज्य के भी अंतर्गत आते हैं और देश के अंतर्गत तो आते ही आते हैं। तो इस तरीके से ये जो सरकारें होती हैं ये एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। कानून बनाने से लेकर कर वसूलने से लेकर प्रशासन तक इनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, तो अगर अमेरिका को देखें तो वहाँ क्या होता है, एक व्यक्ति राज्य का भी नागरिक होता है और केंद्र का भी नागरिक होता है, लेकिन ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो इस रूप में हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका से कुछ स्तरों पर अलग है। फिर ये जो विभिन्न स्तरों की सरकारें होती हैं इनका अधिकार क्षेत्र जो है वो संविधान द्वारा स्पष्ट होता है। ठीक है, और संविधान ही सरकार के स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। ठीक है, तो ये जो विभिन्न स्तर की सरकारें होती हैं इनके अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा कौन देता है, तो वो संविधान देता है। ठीक, अगली कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि जो अदालत होती है उनको संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। ठीक है, और सरकार के अधिकारों की भी व्याख्या करने का अधिकार है। इस रूप में अगर कोई भी विवाद हो, मान लीजिए ए और बी ये दो अलग अलग राज्य हैं, इनके बीच में कोई विवाद हो तो इसकी आरंभिक जो अधिकारिता है वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की है, अर्थात वो इसमें सुप्रीम कोर्ट ही मामले को सुनेगा और कोई जो न्यायालय है उच्च न्यायालय वो इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकता। ये आरंभिक अधिकारिता इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है,
और इसी तरीके से वित्तीय स्वायत्तता भी सुनिश्चित की गई है विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए कि क्या क्या उनके स्रोत होंगे राजस्व के। राज्य के अपने अलग कर होते हैं और केंद्र के अपने अलग कर होते हैं। अब GST आ गया है तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक SGST है, मतलब स्टेट GST उसके अंतर्गत है, और एक इंटीग्रेटेड GST है, उसमें भी राज्यों का हिस्सा होता है। तो इस तरीके से वित्तीय स्वायत्तता भी विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए सुनिश्चित की जाती है जिससे वो राजस्व अर्जित कर सकें। तो इस तरीके से देखें तो संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं, एक तो देश की एकता की सुरक्षा करना, देश की एकता की सुरक्षा करना एक उद्देश्य होता है, और दूसरा क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य होते हैं, एक तो देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और दूसरा क्षेत्रीय जो विविधताएं हैं उनको समाहित करना। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो होती हैं वो संघीय व्यवस्था के गठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। और विभिन्न स्तरों की जो सरकारें होती हैं उनके बीच में सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और उनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। ठीक, तो इस रूप में अगर देखें तो एक आदर्श संघीय व्यवस्था क्या होती है, जहाँ पर आपसी भरोसा होता है और साथ रहने पर सहमति होती है। ठीक है, तो ये दो मुख्य बातें होती हैं संघीय व्यवस्था की, साथ रहने पर सहमति और आपसी भरोसा। अगर ये दोनों टगमगाया तो संघीय व्यवस्था चरमरा जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये जो केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, ये संघीय सरकारों में अलग अलग किस्म से होता है। जरूरी नहीं है जो अमेरिका में संघीय व्यवस्था है वो भारत में हो, जरूरी नहीं है जो अमेरिका में हो वो कनाडा में हो। ठीक है, तो इसमें अलग अलग होता है बंटवारा। तो ये किस पे निर्भर करता है कि संघीय सरकार किस प्रकार की होगी, ये निर्भर करता है कई संदर्भों पर। ठीक, इस तरीके से देखें तो संघीय शासन व्यवस्थाएं दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र आकर एक साथ बड़ी इकाई के रूप में गठित हो जाएं। ठीक है, मान लीजिए ए और बी ये दो अलग अलग राष्ट्र हैं, ये एक साथ आकर एक इकाई के रूप में गठित हो जाएं और इसका नाम दे दिया जाए सी। इसमें क्या होता है, दोनों राष्ट्र जो हैं वो स्वतंत्र रहते हैं, अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने के लिए ये रास्ता अख्तियार करते हैं। इसमें अगर आप उदाहरण के रूप में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी ऐसे ही बना था, स्विट्ज़रलैंड में यही व्यवस्था पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में यही व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें आमतौर पर जो प्रांत होते हैं उनको समान अधिकार ही मिलते हैं। ठीक है, समान अधिकार किसके अंतर्गत प्राप्त होते हैं, आपसी समझौते के अंतर्गत। ठीक है, और इस व्यवस्था में क्या होता है, जो राज्य होते हैं, जो प्रांत होते हैं, वो केंद्र से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो ए और बी जो हैं वो सी से ज़्यादा ताकतवर रहते हैं इस व्यवस्था में। लेकिन अमेरिकी संघीय व्यवस्था में ये अब चीज़ ख़त्म हो गई है, पहले वहाँ पर राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार था, लेकिन अब जो प्रांत हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं अमेरिका में भी। तो अमेरिका ऐसा क्लासिक एग्जांपल अब नहीं रहेगा, स्विट्ज़रलैंड हाँ ऐसा एग्जांपल कह सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, संघीय शासन व्यवस्था के गठित करने का दूसरा तरीका क्या है, कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। जैसे भारत में राज्यों का गठन किया गया है हमारी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों ने राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा कर लिया। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, भारत, बेल्जियम, स्पेन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो भारत ने संघीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई आपको अगर बताना हो तो हमने अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को अपनाया है। इसीलिए हम लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया है, और इसके लिए
एक समिति भी गठित की गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग, और उसके आधार पे फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया। ये सब हम लोग देख भी चुके हैं पिछले लेक्चरों में, तो इस पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में क्या होता है कि मान लीजिए ए ये केंद्र है, ये आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर सत्ता का बंटवारा कई राज्यों को कर देता है, राज्यों में कर देता है। तो इस व्यवस्था में क्या होगा, जब केंद्र ही शक्तियों का बंटवारा कर रहा है तो इस व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, इसमें ज़्यादातर ये व्यवस्था होती है कि इनको समान अधिकार आपस में प्राप्त होता है, लेकिन जो केंद्र होता है वो अधिक अधिकार रखता है, और कई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी प्रदान कर दिए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे अनुसूची 6 के अंतर्गत आने वाले राज्यों में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों को ध्यान में रख के। अनुसूची 5 के अंतर्गत ऐसे ही क्षेत्रों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, कुछ मामलों में हिमालयी राज्यों को अधिक अधिकार दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हो सकता है, लेकिन मेनली इसमें क्या होता है कि राज्यों के बीच में समान अधिकार होते हैं और केंद्र उनसे अधिक वरीयता रखता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने संघीय व्यवस्था का जो बेसिक है वो एनसीईआरटी से कवर कर लिया। अब हम लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं। तो संघीय सरकार क्या होती है, संघीय सरकार वह होती है जिसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। तो ये केंद्र सरकार है, मान लीजिए ये क्षेत्रीय सरकारें हैं, तो इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा होता है। और एकात्मक सरकारें क्या होती हैं, जहां शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं और केंद्र की इच्छा पर राज्यों का गठन किया जाता है। जैसे ए बी सी है, ये केंद्र के अधीन है, इनका गठन ही क्योंकि राज्य की इच्छा पे हुआ है, ये चाहे तो इनको विघटित कर सकता है। इस रूप में केंद्रीय सरकार में जो एकात्मक सरकार होती है उसमें केंद्रीय सरकार ही मुख्य भूमिका में होती है और राज्यों का गठन केंद्र सरकार की इच्छा पर होता है, ठीक है। तो हमारा जो भारतीय संघ है वो अमेरिका से अलग है, क्योंकि अमेरिका में संघ राज्यों के बीच ही सहमति का परिणाम है, लेकिन भारतीय संघ राज्यों के बीच में सहमति का परिणाम नहीं है। और यहाँ पर राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अमेरिका में ऐसा शुरुआत में था, लेकिन अब अमेरिका में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है और अमेरिका जो है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर होता है। तो संघीय शासन व्यवस्था में पहला अंतर यही होता है कि इसमें दोहरी सरकारें होती हैं, राज्य के स्तर पर अलग सरकार होती है और केंद्र के स्तर पर अलग सरकार होती है। इनका लिखित संविधान होता है, संघीय शासन व्यवस्था जहाँ होगी वहाँ लिखित संविधान होगा, अमेरिका में भी है इंडिया में भी है। यहाँ पे शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा होता है और यहाँ पे शक्तियों का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। आप देखेंगे तो 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ, इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा है। तो इसमें शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। अब मान लीजिए एक सेंटर है और ये एक स्टेट है, इसके बीच में विवाद हो जाए तो अब इसका प्रश्न आएगा कहाँ पे इसकी सुनवाई हो, तो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के क्या करता है, वो संविधान की सर्वोच्चता का पालन करते हुए इस विवाद को सुलझाता है। तो इसमें संविधान को प्रमुखता दी गई है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, और ज़्यादातर संघीय व्यवस्था में कठोर संविधान होता है, ठीक है। तो ये संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। अब एकल में देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे दोहरी सरकार थी संघीय शासन व्यवस्था में, तो यहाँ पर एकल सरकार होती है और केंद्रीय सत्ता जो करती है क्या करती है, वो राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर सकती है, लेकिन ये राज्य केंद्र की इच्छा पर निर्भर करते हैं। इसमें लिखित संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे फ्रांस में लिखित संविधान है एकल व्यवस्था के साथ में, जबकि यूके में अलिखित संविधान है। इसमें शक्तियों का विभाजन नहीं होता है क्योंकि केंद्र ही प्रमुख भूमिका में होता है। यहाँ पे संविधान जो है वो सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे जापान में संविधान सर्वोच्च है, जबकि यूके में संविधान सर्वोच्च नहीं, वहाँ पे संसद सर्वोच्च है। फिर देखें तो यहाँ पे संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। यूके में लचीला संविधान है
और फ्रांस में कठोर संविधान है। तो ये कुछ जो थी वो भिन्नताएं थी संघीय शासन व्यवस्था में और एकल शासन व्यवस्था में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अन्य भिन्नताओं में देखें तो दो भिन्नताएं और भी हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जबकि एकल जो शासन व्यवस्था है उसमें यह स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ संघीय व्यवस्था में द्विसदनी विधायिका पाई जाती है, जबकि एकल में द्विसदनी विधायिका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। द्विसदनी विधायिका कहाँ है? यूके में है। और एक सदनी विधायिका कहाँ है? चीन में है। ठीक है, अब इसे भारत का ही प्रश्न ले लिया जाए तो इसमें लोकसभा है और राज्यसभा है। राज्यसभा यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे राज्यसभा भी है, क्योंकि इस तरीके से देखें अगर राज्यसभा क्या है, वो संघीय व्यवस्था का एक मूलभूत आधार है। चलिए आगे देखते हैं। संघीय शासन जो है वो दो रूपों में निर्मित होता है, एक तो एकीकरण के माध्यम से और दूसरा जो है वो विभेदीकरण के माध्यम से। देखिए, जो सैनिक कमजोरी या पिछड़े राज्य होते हैं वो मिलकर संघ बना लेते हैं, तो ये एकीकरण का उदाहरण हो गया कि एकीकरण के माध्यम से संघ का निर्माण। जबकि बड़े राज्यों में क्या होता है, वहाँ पर विविधता बहुत पाई जाती है कि विभिन्न विभिन्न समाज पाए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न समूह पाए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं, तो इस विविधता को समेटने के लिए विभेदीकरण के माध्यम से वहाँ पे संघ शासन का गठन किया जाता है। तो बड़े एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाते हैं, वो विभेदीकरण के माध्यम से होते हैं। जैसे कनाडा हो गया, ये विभेदीकरण का उदाहरण है। अमेरिका देखा जाए तो वहाँ पे राज्य मिलकर एक साथ आए अपनी कुछ कमजोरियों के कारण और एक मजबूत संघ बना लिया। तो इस तरीके से अमेरिका एकीकरण के माध्यम से संघ शासन के रूप में निर्मित हुआ। ठीक है, भारत ने संघीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई? भारत ने संघीय शासन व्यवस्था इसलिए अपनाई क्योंकि इसका विशाल आकार एक इसमें कारण था और दूसरा कारण था सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। क्योंकि यहाँ पे विभिन्न धर्मों के, जातियों के, समूहों के लोग रहते थे, संस्कृतियों के, साथ ही साथ इसका एक विशाल आकार भी था। ठीक है, तो इन दोनों कारणों से भारत ने एकात्मक शासन व्यवस्था ना अपनाकर संघीय शासन व्यवस्था अपनाई है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि संविधान में संघ शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 जो है वो भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है, अर्थात कनाडा के मॉडल से समानता रखती है हमारी संघीय व्यवस्था। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं। क्यों भारतीय संविधान को संघीय संविधान कहा जाता है? तो पहली विशेषता ये हो गई, इसमें द्वैध राज पद्धति है। यहाँ केंद्र है एक स्तर पे राज्य है। दूसरी इसकी विशेषता है, संघीय विशेषता, वो है लिखित संविधान। यहाँ पे लिखित संविधान पाया जाता है जिसमें एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। फिर तीसरी इसकी विशेषता है, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। विभाजन अगर आपको देखना है तो 7वीं अनुसूची, क्योंकि यहाँ पे 7वीं अनुसूची की उपस्थिति है। उसके बाद में यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार जो है वो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती हैं जो संविधान के मूलभूत ढांचे के विपरीत हो। यहाँ पे न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित की है। अन्य विशेषताओं में देखें, संघीय विशेषताओं में भारत की, तो एक यहाँ पे कठोर संविधान है। यहाँ पे जब संघीय शासन व्यवस्था से संबंधित किसी चीज़ में संशोधन करने का प्रश्न आता है तो उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी जरूरत पड़ती है। तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी होता है संघीय व्यवस्था से संबंधित किसी भी संशोधन के लिए। उसके बाद में यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये एक कारण है। और
इसके साथ साथ यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका भी है। एक है उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं और एक है निम्न सदन जिसको लोकसभा कहते हैं। उच्च सदन जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यसभा के माध्यम से सुनिश्चित होता है। तो ये थी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघी। कुछ विशेषताएं आप देख लेते हैं जो कि एकात्मक विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। तो इसमें सशक्त केंद्र है, आप जानते होंगे कि केंद्र इसमें ज़्यादा सशक्त है, उसके पास में अधिक वित्तीय अधिकार हैं, आपातकाल से संबंधित अधिकार हैं, तो ये एकात्मक विशेषताओं के अंतर्गत आ जाता है। राज्य अनश्वर नहीं है, अनश्वर नहीं है मतलब क्या हुआ, राज्य को नष्ट किया जा सकता है केंद्र संघ सरकार के माध्यम से, संसद के माध्यम से, संसद के माध्यम से राज्यों को समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है भारतीय जो व्यवस्था है वो विनाशशील राज्यों का अविनाशी संघ है। तो यहाँ पे राज्य अनश्वर हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पे एकल संविधान है, राज्यों का अलग संविधान नहीं है, ये भी एक एकात्मक विशेषता हो गई। अमेरिका में क्या है, वहाँ पे राज्यों का भी अपना संविधान होता है। संविधान का लचीलापन, आप यही देख लीजिए, राज्य को समाप्त करने की बात होती वहाँ पे आर्टिकल 368 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और भी कई प्रावधान हैं, मान लीजिए राज्य विधान परिषद से जुड़े हुए प्रावधान 169 आर्टिकल में हैं, वो भी उसमें भी आपको राज्यों की ज़रूरत ही नहीं है एक तरीके से। तो ये दिखाता है कि संविधान का लचीलापन भी हमारे संविधान में है, जो कि एक एकात्मक विशेषता को सुनिश्चित करता है। उसके बाद में राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, क्योंकि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है जनसंख्या के आधार पर। तो इस तरीके से यूपी का आप जानते हैं ज़्यादा प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में, और जो छोटे राज्य हैं उनका कम प्रतिनिधित्व हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है। तो ये एक तरीके से ये भी एकात्मक चरित्र को दर्शाता है। आपातकालीन उपबंध, संसद आपातकालीन उपबंध लागू कर सकती है, केंद्र सरकार आपातकाल लगा सकती है। तो ये आपातकालीन उपबंध में एकात्मक शासन की विशेषताओं को संदर्भित करते हैं। फिर यहाँ पे एकल नागरिकता है। अब अमेरिका जो है क्लासिक एग्जांपल है संघीय व्यवस्था का, वहाँ पे राज्यों के लिए अलग नागरिकता होती है और केंद्र के लिए अलग नागरिकता होती है, लेकिन यहाँ पर एकल नागरिकता ही है, केंद्र के लिए ही नागरिकता है। उसके बाद में यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है, यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं वो आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इत्यादि आ जाता है। तो यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका है, ये भी एक एकात्मक व्यवस्था है। और ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से केंद्र जो है वो राज्यों पे नियंत्रण रखता है, अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है और इसका जो नियंत्रण होता है वो राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, मतलब कार्य राज्य सरकार के अंडरगत करते हैं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। तो इस तरीके से अखिल भारतीय सेवाएं भी जो है एकात्मक व्यवस्था की ओर ज़्यादा झुकाव को संदर्भित करती हैं, इसीलिए कई राजनेता अखिल भारतीय सेवाओं के विघटन की मांग करते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 249, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप याद रखिएगा। इसके माध्यम से अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। कौन से विषय पर, जो कि राज्य सूची के अंतर्गत है, राज्य सूची के अंतर्गत कोई भी विषय है अगर उसे राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी एकात्मक विशेषता को ही संदर्भित करता है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आर्टिकल 249 क्या है, कि राज्य सूची के विषय पर अगर राज्यसभा उसे विशेष बहुमत से पारित करके राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। फिर महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के द्वारा केंद्र व राज्यों के खातों की जांच की जाती है, ये भी एकात्मक विशेषता है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में केंद्र के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इस रूप में ये भी क्या है, एकात्मक विशेषता को ही दर्शाता है। फिर एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था है, राज्यों के लिए भी चुनाव और केंद्र के लिए भी चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। तो ये कुछ एकात्मक विशेषताएं थी। तो इस रूप में देखें तो आप कह सकते हैं जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वो एकात्मकता की ओर झुकाव लिए हुए है, ठीक है। इसीलिए
केसी वेयर इसको अल्पसंघी व्यवस्था कहते हैं, भारतीय संविधान को केसी वेयर अल्पसंघी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संघी व्यवस्था तो है लेकिन वो केंद्र की ओर ज़्यादा झुकी हुई है, एकात्मकता की ओर अधिक झुकी हुई है। ऐसा विभिन्न रीजनों से किया गया था, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रश्न पर किया गया था, क्योंकि जब संविधान शुरू किया गया था, लागू किया गया था, तब यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो ऐसा करना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर कई रियासतें थीं और विघटनकारी तत्व भी मौजूद थे हमारे समाज में, इसलिए यहाँ पर केंद्र को अधिक वरीयता दी गई थी। आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है कि ये मजबूत केंद्र वाला संघ है, ये जो भारतीय संघी व्यवस्था है वो मजबूत केंद्र वाला संघ है। तो ये कोटेशन मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार के 2019 के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था, बस उसको उसकी भाषा बदल दी गई थी। कहा गया था अर्धसंघी संघी व्यवस्था है भारतीय संविधान, ये किसने कहा था, तो आपको पता होना चाहिए केसी वेयर ने, और मजबूत केंद्र वाला संघ किसने कहा था, आइवर जेनिंग्स ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघी व्यवस्था को कहा है ये सरकारी संघ व्यवस्था है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बोमई वाद में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने संघी व्यवस्था को आधारभूत ढांचे का हिस्सा घोषित किया है, अर्थात अब संसद चाहे तो संघीय व्यवस्था से जुड़े हुए प्रावधानों में या संघीय व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि ये आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। और आधारभूत ढांचे के हिस्से के सिद्धांत को कब खारिज किया जा सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट जो केशवानंद भारती में बेंच बैठी थी 13 जजेस वाली, उससे बड़ी कोई बेंच बैठे, मान लीजिए 14-15 जजेस की कोई बेंच बैठे, और वो इस मुद्दे को आधारभूत ढांचे के हिस्से के सिद्धांत को ही खारिज कर दे, तब जो है वो संघ सरकार संघीय व्यवस्था में बदलाव कर सकती है, ठीक है। तो इस समय संघीय व्यवस्था आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। सो, इस तरीके से हम लोगों ने लेक्चर नंबर 13 पूरा देख लिया है ध्यान से अच्छे से। इस लेक्चर में इतना ही है, धन्यवाद।